चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज धर्म स्नेही बंधु हो ताला दो तरह से खुलता है, एक चाबी से और एक हथौड़ा मार के, ठीक है ना। ताला खोलने के दो तरीके हैं। इसी तरह है, सामने वाले व्यक्ति से यदि काम करवाना है तो दो तरह से काम होते हैं, एक हथौड़ा मार के और एक प्यार से, है ना। सामने वाले घर में परिवार में जो आपके रहते हैं, आप लोग आपस में एक दूसरे से काम करवाते हो, तो एक तो है चल उठ चलेगा अकेला, एक तरीका है बेटा जरा ये कर देना। दूसरा तरीका ये है, हाँ कई बार ऐसा होता है बेटा प्यार की भाषा सुनते ही नहीं है, प्यार की भाषा सुनते ही नहीं है। जब नहीं सुनता है तो फिर हथौड़ा मारना पड़ता है। लेकिन आप पहले से हथौड़ा लेके तैयार हो जाओ, ये तो गलत है। हर समय हथौड़ा काम नहीं आता है, हर समय हथौड़ा नहीं चलाना चाहिए। हाँ पत्थर तोड़ना है तो हथौड़ा जरूरी है, लेकिन फूल को निकालना है तो हथौड़ा जरूरी नहीं है। बड़े प्यार से धीरे से डाली से फूल को निकाला जा सकता है, वहां हथौड़े की जरूरत नहीं है। हथौड़े की जरूरत पत्थर को है, फूल को नहीं है। और जब फूल पर हथौड़ा चला दो तो क्या होता है, चोट ज्यादा लगती है, है ना। बात चल रही है स्वभाव की, कई दिन से चर्चा स्वभाव पर चल रही है, आज भी उसी पर करेंगे। स्वभाव शब्द का अर्थ समझें, स्व यानी मैं, स्वयं स्व यानी मैं, और भाव यानी मेरा भाव, मेरा भाव स्वभाव, मेरा भाव स्वभाव। एक होता है स्वभाव और एक होता है प्रभाव। स्वतंत्र, स्वतंत्र शब्द सुना है ना, हमारा भारत कैसा है, स्वतंत्र है। पहले कैसा था, परतंत्र था, परतंत्र यानी दूसरे का शासन, और स्वतंत्र यानी हमारे देश में हमारा शासन, ये हो गया स्वतंत्र। तो स्वभाव यानी मेरा भाव स्वभाव, और दूसरे का भाव प्रभाव, दूसरे का भाव प्रभाव और मेरा भाव स्वभाव। तो अभी हम स्वभाव में जी रहे हैं कि प्रभाव में जी रहे हैं। क्रोध पर है कि स्व है, अभी ये नहीं पूछ रहे कि तुम क्या करते हो, अभी तो सिर्फ इतना निर्णय करना कि क्रोध जो है वो दूसरा है या मेरा भाव क्रोध है। क्रोध मान माया लोभ, ये स्वभाव है या प्रभाव है। क्रोध बाहर से आता है कि अंदर से आता है। अब कुछ कहेंगे बाहर वाले दिलाते हैं तो अंदर से आ जाता है, तो मतलब क्रोध अंदर भरा हुआ है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना, क्रोध अंदर है या नहीं है, आत्मा में है या आत्मा के बाहर है। आत्मा के बाहर है, फिर तो आत्मा उसको बुलाती है, फिर आत्मा उसको लेके आती है, नहीं। अच्छा हमारे भगवान को देखो क्या कर रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, नहीं डर रहे हैं, कुछ भी कोई भाव नहीं उनके चेहरे पर, एक ही मुद्रा है, प्रसन्न मुद्रा। कौन सी मुद्रा है, प्रसन्न मुद्रा। जो भगवान के चेहरे पर भाव है यही हमारा स्वभाव है। चार कषाय नौ नौ कषाय ये हमारा भाव नहीं है, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद
ये हमारा स्वभाव नहीं है। और अभी हम 24 घंटे इन चार या नौ में से किसी ना किसी में रहते हैं, या तो क्रोध या मान या माया या लोभ, ठीक है, या हास या रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनमें से किसी ना किसी भाव में रहते हैं। जैसे झूला होता ना, एक ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, ऐसे ही हमारी कषाएं हैं। कभी क्रोध आई, कभी मान आई, कभी मायाचारी आई, कभी लोभ आई, कभी हंसी आई, कभी रो रहे हैं, कभी डर रहे हैं, कभी प्रेम कर रहे हैं, कभी द्वेष कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इसी में लगे रहते हैं 24 घंटे। एक क्षण के लिए भी परम स्वभाव में नहीं आते हैं। कौन से भाव में? स्वभाव में। तो हमारा भाव क्या है? हमारा भाव तो है शांत रहना। हमारा भाव क्या है? शांत रहना, आराम से, शांति से, आंख बंद करके हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो और बड़ी शांति से बैठ जाओ, ये आत्मा का स्वभाव है। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में रह सकता है क्या? चलो निर्णय कर लो, या तो क्रोध ले लो या क्रोध का त्याग कर दो। 24 घंटे क्रोध में रहने का नियम ले लो कि हम 24 घंटे क्रोध में रहेंगे, क्रोध से एक क्षण के लिए भी नीचे नहीं आएंगे। हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। 24 घंटे के लिए क्रोध का त्याग कर दो, संभव है? ये संभव है कि 24 घंटे के लिए क्रोध का त्याग कर दिया जाए, मगर ये संभव नहीं है कि 24 घंटे क्रोध में रहा जाए। क्यों? क्योंकि क्रोध नहीं करना हमारा स्वभाव है, और क्रोध करना ये कर्म का भाव है, ये पर भाव है। कौन सा भाव है? पर भाव है। स्वभाव में हम ज्यादा देर रह सकते हैं? पानी कितनी देर गर्म रहेगा? जितनी देर अग्नि में चढ़ा रहेगा, और अग्नि से उतारते ही ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही हम क्रोध में कितनी देर रहेंगे? जितनी देर बाहर के क्रोध में ही विचार रहेंगे, और जैसे वो विचार हटते हैं हम ठंडे हो जाते हैं। तो पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा। हमारा स्वभाव क्या है? शांत रहना। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले ये पहचानो कि मेरा स्वभाव है क्या, और मैं अभी किस में जी रहा हूं। जब ऐसा समझ में आ जाएगा तो फिर जो दस लक्षण पर्व में क्षमा धर्म आता है ना, उत्तम क्षमा, उस दिन आप क्या करते हो? फिर उत्तम क्षमा की पूजा करते हो, है ना, उत्तम क्षमा के प्रवचन सुनते हो, उत्तम क्षमा की माला फेरते हो, यही करते हो ना। तो क्षमा धर्म किस लिए आया है? पूजा करने के लिए, माला फेरने के लिए। इसीलिए उत्तम क्षमा मनाना चाहिए। ये ऐसे मनाते हैं ना, उत्तम क्षमा मनाने का क्या मतलब कारण है? क्षमा करने के लिए आता है या मनाने के लिए आता है? नहीं नहीं, मनाते हैं, इसलिए तो आज तक क्रोध गया नहीं। जो दस लक्षण पर्व आते हैं वो मनाने के लिए आते हैं आपके, भाई दस लक्षण पर्व आ गए, चलो पूजा करना है, तैयारी करो, दस लक्षण की पूजा में सब बैठेंगे, सब लोग पूजा करेंगे, भले पूजा करते करते क्रोध आ जाए वो तो चल जाएगा, पूजा नहीं छूटनी चाहिए। देख भाई अभी रुक जा, पूजा बाकी है, फिर देखना बाहर मिलना मेरे से। पूजा किसकी करनी है? क्षमा की करनी है। और क्या कह रहा है? बाहर मिलना मेरे से, अभी बताता हूँ चल के मैं। बताइए, आपने उत्तम क्षमा का पालन किया? क्षमा धर्म की पूजा करने के बाद भी क्षमा पालन नहीं की, तो इसका मतलब आपने केवल ऊपर का धर्म कर लिया। जैसे एक होती है दवाई खाने की और एक दवाई होती है लगाने की, ठीक है। अब जो लगाने वाली दवाई है वो तो आप खा रहे हो, जैसे क्रोध है, क्रोध ऊपर ऊपर दिखाने के लिए करना चाहिए, अंदर से नहीं करना चाहिए। बाहर की व्यवस्था बनाना है, अनुशासन बनाना है, बिना डरे बिना क्रोध किए अनुशासन नहीं बनाया जा सकता है। जब तक भय नहीं होगा
तब तक अनुशासन नहीं होगा। डंडे का भय जरूरी है, तभी इतनी पुलिस रखी जाती है, नहीं तो लोग पता नहीं कितने गलत काम करें। इतनी पुलिस होने के बावजूद हो रहे इतने गलत काम, यदि पुलिस ना हो, प्रशासन ना हो, तो और पता नहीं कितने गलत काम हो। तो प्रशासन का भय है तो लोग गलती नहीं करते हैं, अनुशासन में रहते हैं। तो ऐसे ही क्रोध जो है वो बाहर से दिखाने के लिए किया जाता है ताकि अनुशासन बना रहे, और क्षमा जो है वो अंदर से की जाती है कि किसी की कोई गलती नहीं है, ये तो कर्म का उदय है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो क्षमा अंदर से करनी चाहिए, क्षमा खाने वाली दवाई है और क्रोध लगाने वाली दवाई है। हम करते क्या हैं? क्षमा तो ऊपर से करते हैं, चल भाई इस बार तो माफ कर दिया, अगले बार सावधान रहना, फिर नहीं छोड़ने वाला मैं तेरे को, ऐसे कर देना। यानी क्षमा तो खाने वाली दवाई है उसको ऊपर ऊपर से लगा लेते हैं, और क्रोध लगाने वाली दवाई है उसे खा लेते हैं। बीमारी क्यों है? क्योंकि दवाई उल्टी कर रहे हो, जो लगाने वाली थी उसे खा ली तो बीमारी और बढ़ गई। तो जो जो 10 लक्षण पर्व आते हैं वो हमारे स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए आते हैं, हमारे स्वभाव को उघाड़ने के लिए आते हैं, हमारे स्वभाव को प्रकट करने के लिए आते हैं। लेकिन हम 10 लक्षण को ऊपर ऊपर से मनाते हैं, अंदर से नहीं मनाते हैं, इसलिए जैसे रहते हैं वैसे ही रह जाते हैं। 10 दिन के बाद भी थोड़े देर के बाद जाकर के वो पिकनिक का प्रचलन है ना, 10 लक्षण पर्व हो गए, अब कहाँ जाना भाई, पिकनिक पे जाना है 10 दिन। अब जितना हमने त्याग किया था उतना हम ग्रहण करके आना है, उतना कि उससे डबल ग्रहण करके आना है। अक्सर जगह तुम देखना कि 10 लक्षण के बाद पिकनिक पे जरूर जाते हैं, एक प्रचलन सा हो गया पिकनिक पे जाने का। तो क्षमा धर्म है और क्रोध अधर्म है। तो क्षमा धर्म है, धर्म का मतलब स्वभाव, धर्म का मतलब स्वभाव। हमारा स्वभाव क्या है, क्षमा या क्रोध? क्षमा मैंने अभी बता दिया कि एक लगाने वाली दवाई है। आप घर में रहते हैं, आप संसार में रहते हैं, इसलिए आपके लिए क्षमा वाणी है, क्षमा धर्म है। लेकिन मुनिराजों के लिए उत्तम क्षमा है। गाली सुन मन खेद ना आनो, गुण को ओगुन कहो अयानो, कहियो अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर तै निकारे तन विदारे, बैर जो ना तहां धरे। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी बैर नहीं रखना, मार दिया, घर से निकाल दिया, पीट दिया, खाने को नहीं दिया, परेशान किया, लेकिन फिर भी बैर नहीं रखा, ये किसी ग्रस्त की बात नहीं हो सकती है। गाली भी दे दी, ये किसी ग्रस्त की बात नहीं हो सकती, ये उत्तम क्षमा धर्मधारी मुनिराज की बात हो सकती है। लेकिन घर से निकालने बात आई है, ये तो किसी घर की बात होगी कि घर से भी निकाल दिया तो भी बैर नहीं रखता है, तो भी क्रोध नहीं करता है, तो भी परेशान नहीं होता है, कोई बात नहीं है, मेरा ही कोई पूरब का कर्म होगा इसलिए तो इसने ऐसा किया है। फिर याद करता है अंजना सती को, अंजना सती को उसकी सास ने घर से निकाला था, निकाला था ना, आपको कहानी पता है, किस किस को पता अंजना सती की कहानी? हनुमान गर्भ में थे है ना, पवनंजय उनसे छुपकर मिलने के लिए आया, हनुमान गर्भ में आए, पवनंजय तो छुपके आए और फिर युद्ध पर छुपके ही चले गए, घर वालों को पता नहीं चला, हनुमान जी गर्भ में आ गए। अब जब घर में आ गए तो सास ने कहा, जब मेरा बेटा घर में है ही नहीं है तो तेरा ये गर्भ कहां से, तूने क्या किया, किसके साथ किया है? उस पर दोष लगाया, घर से निकाल दिया। सोचा कहां जाऊं, तो बोले चलो अपने पीहर चलती हूँ। पीहर जाके दास गया उनके माता पिता के पास, अंजना आई है, किसके साथ आई है, किसके बुलाने से आई, हमने तो बुलाया नहीं,
बिना सम्मान के कैसे आ गई हम अपने घर में वापस। तो वो कहता है कि एक सखी है साथ में और कोई भी नहीं है साथ में। तो बोले उससे कहना इस राज्य में चोरों को तो जगह मिल सकती है मगर उसे जगह नहीं मिल सकती है। माँ कहती है नहीं मेरी बेटी गलत नहीं कर सकती है लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं है। फिर वो वहां से जंगल में चली जाती है, परेशान होती है, रोती है, लेकिन दोष किसी को नहीं देती है। ना उसने सास को दोष दिया, ना उसने माता पिता को दोष दिया, उसने दोष दिया स्वयं को, मेरा ही कोई कर्म है जो मुझे जंगल में लेकर आया है। गर्भ में कौन था? हनुमान। कोई माँ होती तो हनुमान को खुद के गर्भ में जो बच्चा आया उसको दोष देती, तेरे आते मुझे घर से निकलना पड़ा, तेरे आते मुझे परेशान होना पड़ा, तेरे हाथ ही राजमहल छूट गया, अपने बच्चे को दोष देती। लेकिन उसने बच्चे को भी दोष नहीं दिया, मेरा ही कोई कर्म है जिसके कारण से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और वो जंगल में गई, गुफा में गई, कर्म ढीला पड़ा, उसके मामा मिल गए। अभी कर्म बाकी था, गुफा में हनुमान का जन्म हुआ। जब वो बाहर बैठी हुई थी तो ऊपर से मामा निकले, अरे ये तो मेरी भांजी लग रही है, यहाँ जंगल में कैसे है? विमान उतार कर नीचे आए तो फिर चर्चा हुई। अंजना ने कह दिया इस बच्चे के विषय में कुछ मत पूछना, यदि पूछोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूँ। और वहां पवनंजय को पता चला कि अंजना को बाहर निकाल दिया। जब वो वापस लौट के आया, वो ढूंढने निकला, उसके पीहर गया, पीहर वालों से पूछा तो बोले वो हमारे पास तो आई थी लेकिन हमने भी उसको निकाल दिया। अब वो परेशान हो रहा है, अब वो ढूंढ रहा है अंजना को, और ढूंढते ढूंढते फिर कहां पहुंचा? फिर मामा के यहाँ पहुंचा। वहां पर उसके मामा उसको ले गए थे विमान में बिठा करके। जब विमान में ले जा रहे थे तो हनुमान उछल रहा था और ऐसा उछला कि विमान से नीचे गिर गया। अब तो अंजना सती बोली एक सहारा था वो भी गया। लेकिन नीचे जाकर देखा तो शिला तो चूर चूर हो गई थी और हनुमान खेल रहे थे। अरे ये क्या हुआ? यदि आज का व्यक्ति पत्थर पे गिर जाए तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, हड्डियां टूट जाएंगी, बचेगा कि नहीं बचेगा ये भी नहीं पता है। और वहां हनुमान गिरे तो शिला चूर चूर हो गई और हनुमान को कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? हनुमान जो थे तद्भव मोक्षगामी जीव थे, वज्र सब नाराज संगनन के धारी थे, उनकी हड्डियां वज्र की थी। किसकी थी? वज्र की। यदि वज्र की हड्डियां पत्थर पे गिरे तो पत्थर टूटता है, वज्र नहीं टूटता है। मोक्षगामी जीव थे, उसी भाव से उन्हें मोक्ष जाना था, ऐसा संगनन लेके आए थे, इसलिए वो पत्थर पर गिरे तो पत्थर टूट गया और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिर अंजना सती मामा के यहाँ चली गई तो वहां जाकर जब बाद में पवनंजय को पता चला, उसकी माँ को पता चला कि वो वहां पर है, सब लोग उसको लेने के लिए आए, तो अब अंजना सती सासू जी से नाराज होगी कि नहीं होगी? अब क्यों आई लेने के लिए? कहेगी कि नहीं कहेगी? वैसे तो घर से निकाल दिया था, मैंने बहुत मना किया, मेरी बात तो मानी नहीं, मुझे तो घर से निकाल दिया, मैंने कितने कष्ट सहे, अब लेने चली आई। बोलिए आप होगे तो कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे ना? लेकिन उसने नहीं कहा। सासू ने कहा बेटा मेरे से गलती हो गई, मैंने तुझे समझा नहीं, जाना नहीं, तुझे घर से निकाल दिया, मैं गलत थी। अंजना सती ने कहा नहीं माँ, तुम गलत नहीं हो, मेरा ही कोई कर्म का उदय था इसलिए तुम्हें ऐसा करना पड़ा, तुम ऐसी थोड़ी थी, आप तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे कर्म का उदय था इसलिए मुझे जाना पड़ा। और अंजना सती सबको क्षमा कर देती है और वापस पवनंजय और सासू के साथ में अपने शहर में जहां रहते थे वहां आ जाती है। आप होते तो क्षमा करते कि नहीं करते? यदि देवरानी से जरा सी गलती हो तो जाए, जिठाने देखो तो पूरी शेरनी बन जाएगी।
और देवरानी जिठानी की तो छोड़ो, पति से गलती हो जाए तो पत्नी मौका ढूंढती है कि कब मौका मिले और कब चढ़ूं, कब इसको सुनाऊं दस में। हैं? जब पत्नी पति को नहीं छोड़ रही है तो किसको छोड़ेगी? ना वो अपने बच्चों को छोड़ेगी, ना वो अपनी देवरानी को, ना सास को। जो पति को क्षमा नहीं कर पा रही है वो किसको क्षमा करेगी? जबकि घर में रहकर यदि क्षमा धर्म है तो घर में शांति है। और केवल एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़े हैं, तूने उस समय ऐसा कहा था, अब मेरा नंबर, अब सुन तू भी, ऐसे तो करते तुम तो खूब सुनाते हो, अब मेरा नंबर सुनो, तुमने ऐसा ऐसा किया है, बोलिए ऐसा करते नहीं, बदला लेते नहीं, बदला लेते हो, बदला लेने के लिए तैयार खड़े होते हो। तो ये बदला क्या है? बैर है, यह बैर महादुखदाई है, यह बैर न बैर मिठाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। कमठ ने पारसनाथ के साथ में क्या बांधा था? बैर बांधा था। बैर बांधने वाला कहाँ गया? नरक गया, फिर शेर बना, फिर नरक गया, फिर अजगर बना, फिर नरक गया, फिर सांप बना, फिर नरक गया, फिर भील बना, फिर नरक गया, दुखी दुख भोगता रहा। और पारसनाथ ने बैर नहीं बांधा, क्षमा करी और हर भाव में दीक्षा लेते रहे, तो वो क्या हुआ? फिर वो स्वर्ग गए, फिर वहां से आके राजा के पुत्र बने, फिर स्वर्ग गए, फिर मंत्री के पुत्र बने, फिर स्वर्ग गए, फिर वो राजा के पुत्र बने, और अंतिम में वो पारसनाथ बने और वो एक व्यंतर देव बना। तो अभी जो कर रहे हो क्या वो हमारा स्वभाव नहीं है? बिल्कुल नहीं है, जरा सा भी नहीं है। अभी जो कर रहे हैं वो हमारा स्वभाव है ही नहीं है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे गूढ़ा चंद्र जी वाले, कितनी जल्दी सावधान हुए, गांव का नाम लिया, तुम्हारा नाम लेंगे तो और सावधान हो जाओगे, गांव का लिया तो इतनी जल्दी सावधान हो गए। कितना प्रेम होता है ना अपने गांव से, अपने नाम से। तुम्हारा नाम क्या है? दयाचंद, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश जैन, अच्छा बहुत बढ़िया। तुम सबका इकट्ठा नाम क्या है? गूढ़ा चंद्र। मेरा नाम आत्मा है। स्वभाव किसका होता है? दया राम का स्वभाव दया है कि नहीं है? है करुणा सागर में करुणा है कि नहीं है? राजेंद्र जी राजेंद्र है कि नहीं है? राज करने वाले इंद्र है कि नहीं है? और फूलमती के फूल जैसी है कि नहीं है? शेर सिंह शेर के जैसे हैं कि नहीं है? कि जरा जरा सी बात में डर जाते हैं, नाम तो शेर सिंह है और जरा कुत्ता भौंक दे तो डरना डर जाते हैं, भागने लगते हैं। तो जैसा नाम है वैसा बनने का। नाम तो सबके बहुत अच्छे अच्छे हैं, कोई भी अपना नाम बुरा नहीं रखना चाहता है, है ना? राम नाम रखना बहुत अच्छा लगता है, रावण नहीं रखने लगता है। लेकिन रावण जैसे काम करोगे और राम नाम रखोगे तो क्या राम बन जाओगे? नहीं बनेंगे। तो राम बनने के लिए उनके जैसे गुणों की प्राप्ति जरूरी है। चलिए मैं तीन चीज बोलूंगी आज हमारे बीच में। स्वस्ति धाम जहाजपुर के मंत्री और महामंत्री आए हुए हैं और आप जो हैं, जिस दिन से हम जहाजपुर पहुंचे हैं उस दिन से सेवा में लगे हुए, उस दिन से और अभी तक उस पद को संभाल करके रख रहे हैं, उस पद के अनुसार खूब क्षेत्र की सेवा करते हैं, जितने यात्री आते हैं सबकी सेवा करते हैं और हर तरह से समर्पित रहते हैं। कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले हमारे ज्ञान जी को याद किया जाता है और पारस जी हैं और आपके माध्यम से क्षेत्र की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही है और वहाँ इनके साथ पूरी कमेटी है, पूरी कमेटी सब साथ मिलकर के काम करती है। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का और राजस्थान में महावीर जी के पास गूढ़ा चंद्र जी का बड़ा ही महत्व है।
काने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों के प्रभाव का, हवा के दबाव का और प्राप्त करने में स्वभाव का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का क्रोध नहीं बड़ा ही महत्व। चलो 24 घंटे के लिए तो छोड़ दो, छोड़ सकते हो 24 घंटे गुस्सा नहीं करेंगे। बच्चे खुश हो गए होंगे आज, आज तो जो मर्जी आए करो, आज तो मम्मी गुस्सा करेगी नहीं। खेत में धान का, शादी में पान का, होने वाले शांति विधान का बड़ा ही महत्व है। घर में समृद्धि का, अच्छी होने में बुद्धि का और होने वाली आज वेदी शुद्धि का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गुजा का, होने वाली पूजा का बड़ा ही महत्व है। खेत में सरसों का, बीतने में बरसों का, अगूढ़ा चंद्र के बच्चों का बड़ा ही महत्व है। बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ के बच्चे बहुत धर्मात्मा हैं और बहुत आगे रहते हैं। महिलाएं पुरुष तो हैं ही हैं, उसके साथ में बच्चे भी धर्मात्मा हैं यहाँ के। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ की लड़कियों में इतनी सादगी और इतना धर्म के प्रति समर्पण, साधुओं की सेवा की भावना। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के बच्चों को देख करके। और कल एक बुढ़िया भी आई, वो जयपुर थी, वो वापस आ गई कि मुझे माताजी आई है, मुझे वापस अपने गांव जाना है, हैं? तो बहुत मतलब अच्छी भावना है, तभी तो ऐसा हुआ। तो आप बहुत अच्छा, छोटा सा गांव है लेकिन बहुत अच्छा गांव है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी शहर में नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा मैं किसी बड़े शहर में हूँ। स्वास्थ्य के चलते आपके यहाँ हुआ और हमें तो परसों ही पता लगा कि आपने यहाँ पे एक वेदी शुद्धि का कार्यक्रम भी रखा अचानक, तो उस कार्यक्रम के लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। आप में से कौन कौन लोग स्वस्ति धाम आए हुए हैं? जो नहीं आए वो उनसे पूछें स्वस्ति धाम की धरा कैसी है। और मैं आप सब लोगों को स्वस्ति धाम कमेटी की तरफ से आमंत्रण देता हूं कि आप स्वस्ति धाम जहाजपुर जरूर पधारें, एक बार सेवा का मौका दें। आप फिर मैं कहता हूं सौभाग्यशाली हैं, आज एक साल हो गया माता श्री को जहाजपुर से विहार किए। मोरेना का पंचकल्याणक जो दिसंबर में होना था वो जयपुर वालों की दबाव की वजह से, क्योंकि जयपुर वालों ने इतना माता जी का वो किया कि आपको नहीं, माता श्री चतुर्मास तो जयपुर में ही करना है। और आप देखिए उन्हीं के वात्सल्य से, उन्हीं की श्रद्धा से आज ये प्रोग्राम आगे खिसक कर फरवरी में होने जा रहा है। 1 से 6 फरवरी तक माता श्री का चतुर्मास पंचकल्याणक महोत्सव माता श्री के सानिध्य में ज्ञान तीर्थ मुरैना में होने जा रहा है। और मैं इसी मंच से माता श्री से भी निवेदन करूंगा कि पंचकल्याणक से निपट कर माता श्री आप जहाजपुर की तरफ वापस प्रस्थान करें, क्योंकि आपके बिना वो धरती अधूरी है। इतने आप देखिए सैकड़ों लोग प्रतिदिन जहाजपुर स्वस्ति धाम में आते हैं, तो उन लोगों का एक वो रहता है कि माता श्री यहाँ रहें तो हमें दो दो पुण्य का लाभ मिले। तो मैं गुड़ाचंद्र जी की धरती से आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि मुरैना की अगर जिम्मेदारी तो आपने ली है, मैं चाहता हूँ वो जरूर आप पूरी करें, लेकिन माता श्री वहां से पंच कल्याण की समाप्ति होते ही आप जहाजपुर की तरफ विहार करें। वंदामी माता जी। इसकी वैभव को करके सब प्रभावित थे, तो हम भी प्रभावित थे उससे। लेकिन आज इसका मौका मिला है तो
मैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्वस्थमूत्र माता जी हैं वो नहीं हैं, तो उनको उनके अभाव में केवल बाकी सब चीज़ बढ़िया है और सुंदर है। मैं एक मुक्तक करके अपनी बात पूरी करूँगा कि मत परिग्रह कर यहाँ कुछ स्थिर नहीं है, मत परिग्रह कर यहाँ कुछ स्थिर नहीं है, व्यर्थ है संग्रह जरूरत चिर नहीं है। कि मत परिग्रह कर माता जी, कि मत परिग्रह कर यहाँ कुछ स्थिर नहीं है, व्यर्थ है संग्रह जरूरत चिर नहीं है। हो सकी अपनी ने दौलत रूप सी भी, हो सकी अपनी ने दौलत रूप सी भी, तो मौत से पहले निजी तन फिर नहीं है, मौत से पहले निजी तन फिर नहीं है। कल रात में आए और जैसे ही अंदर से तो देखे ही नहीं, सर्वप्रथम पहले बाहर से देखा, इतना लुभावना वातावरण था, इतना अच्छा वातावरण था कि हम सब कुछ भूलकर सिर्फ मंदिर जी की बाहर की प्रतिमा देखते रह गए। अंदर आने के बाद यहाँ पर जो भव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण हुआ है, मैं सर्वप्रथम सृष्टिभूषण माता जी एवं उनके पूरे संघ का, स्वस्तिभूषण माता जी एवं पूरे संघ का मैं अनुग्रहित हूँ। उनसे उनके चरणों में त्रिवार वंदामी करते हुए भाव बहाता हूँ कि उनका यह मोक्ष मार्ग का मार्ग बड़े सुचारू रूप से आगे चले और उनके हाथों से ऐसे ही भव्य जिनालयों का भव्य निर्माण भी हो। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा मंदिर न कभी पहले देखने में आया है। आज वो देखकर हम सभी को बहुत अत्यधिक प्रसन्नता भी हुई और साथ साथ में आज सुबह क्षुल्लिकाश्री एवं क्षुल्लक जी महाराज के दर्शन पाकर आनंद बहुत ज़्यादा प्राप्त हुआ। मैं पुनः एक बार यहाँ की कार्यकारिणी और सभी को, यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं, रूम की व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, सभी के बारे में बहुत बहुत तारीफ करता हूँ। उनके काम के प्रति अपनी अनुमोदना व्यक्त करते हुए पुनः एक बार क्षुल्लिकाश्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, स्वस्ति धाम मुझे जाना है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।